तो अभी हम रेडी हो गए हुक्की नक्कल वाटरफॉल देखने के लिए। कुछ 130 किलोमीटर दिखा रहे हैं मेरे घर से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 7:45 हो रहे हैं निकल। अभी मैंने GPS लगा दिया है और कुछ 130 किलोमीटर के आसपास दिखा रहे हैं मेरे घर से, तो 3 घंटा दिखा रहा है मैप पे, बट 3 घंटा तो नहीं लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लगेंगे। मैं 4 घंटा मान के चल रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन कैसा है। और आज मौसम जो है काफ़ी अच्छा किया है, ना ज़्यादा धूप है ना ही बारिश है, और काफ़ी अच्छा क्लाउडी मौसम किया है, विच इज़ फेवरेबल टू ट्रैवल। और आज अकेले में नहीं जा रहा हूँ बाइक में, मेरे साथ मेरी वाइफ सानू जा रही है। तो ये हमारा पहला बाइक ट्रिप है एक साथ इतना दूर, पहली बार जा रहे हैं हम इतनी 50 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे जा रही आज की जर्नी। और अभी हम बैंगलोर चेन्नई हाईवे में जा रहे हैं। हाईवे के कुछ 20 किलोमीटर जाने के बाद ही हम लोग कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस करते हैं और तमिलनाडु बॉर्डर में एंट्री करते हैं। होगीनकल वाटरफॉल जो है बेसिकली तमिलनाडु के अंदर ही आता है। बैंगलोर से होगीनकल जाते वक्त हमें होकर जाना पड़ता है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से। जो रास्ता है काफ़ी आप इन्जॉय करोगे ये पार्ट जो स्ट्रेच आता है ड्यूरिंग योर रोड ट्रिप। वाटरफॉल दिख रहा है, तो इसके वजह से लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं। लेट्स सी, शायद ये कैमरा में विजिबल नहीं होगा, सो इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। चलो चलते हैं, अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। तो अभी हम आ गए हुक्की नक्कल वाटरफॉल के पास। ये तो वैसे कुछ बाइक के स्टॉप नहीं है, बाइक पार्किंग नहीं है, बट लोग यहाँ पे बाइक पार्क कर रहे हैं। आगे चल के भी रोड साइड में लोग बाइक पार्क कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लग रहा है कुछ मेला जैसे ही। बस स्टॉप भी है, ये हुक्की नक्कल टाउन है, उसके आसपास ये खाने की चीज़ें मिल रही हैं काफ़ी यहाँ पे। तो ये हुक्की नक्कल की एंट्री पॉइंट है, तो राइट साइड में लिखा है वे टू बोट हाउस। देखते हैं वो देख बड़े कितना 1500 सर 1500 हाँ ओके गवर्नमेंट बिल ठीक। अरे आप वन बोट हाँ वन बोट हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी फोर नंबर ओके टू नंबर्स ना अरे पैसा टू हाउ मच टू अदे தான் ஒண்ணே ஒன் போட் ना ஒரு செப்பரேட் ஒன் போட் तो आज संडे है, देख सकते हैं क्या जबरदस्त भीड़ लगा है, बहुत ही जबरदस्त भीड़ है। ये सारे गोल गोल बोट्स हैं जो फेमस है हुक्की नक्कल में, और मछली रेडी टू ईट। जबरदस्त भीड़ है आज संडे के वजह से शायद। सो बोट का कुछ ऐसा हिसाब है, एक बोट में मैक्सिमम 4 जन बैठ पाएंगे, आप 1 जन बैठो या 4 जन बैठो, आप अगर एक बोट बुक करते हो तो आपको 1500 रुपये गवर्नमेंट फीस है वो देना पड़ेगा। ये है फ्रेश टू ईट मछली, यहीं पे मछली धो रहे हैं, मछली पकड़ के आपको खिलाएंगे। मछली के साथ साथ दूसरा भी एक चीज़ बहुत फेमस है यहाँ पे, मसाज, फुल बॉडी मसाज। लोग यहाँ पे फुल बॉडी मसाज करवाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके आप देख रहे हो जो साइड में जो वाटरफॉल का पानी है वहाँ पे जाके नहाते हैं। तो ये कोराकल प्राइस डिटेल्स, ये बोट की है 1.5 घंटा की, कोराकल 1500 रुपये, बोटमैन 1300, ये गवर्नमेंट का रेगुलेटेड प्राइस है, सो कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। चलते हैं काउंटर पे एक बोट टिकट लेने का।
पंचायत यूनियन देना ग्राम। ओके, अब टिकट काउंटर के बाद टिकट लेने के बाद बहुत सारे बोटमैन वहाँ पे खड़े रहते हैं। अब कोई भी बोटमैन को लेके जा सकते हैं। मुझे ये भैया मिल गए तो इनको मैंने टिकट दे दिया। अब ये कुछ अपना रजिस्टर कर रहे हैं बिफोर टेकिंग द बोट। अब हमारा रजिस्ट्रेशन ख़त्म, अब चलते हैं बोट राइड पे। और ये आ गए हमारे बोटमैन भैया, चलते हैं बोट राइड पे। एक नए टाइप के बोट में पहली बार मैं जा रहा हूँ, राउंड शेप की बोट में। लेट्स सी। डेढ़ घंटा तो कुछ जर्नी है, अभी 12:20 हो रहा है। यहाँ पे आधा घंटा घूमना है और एक घंटा आगे घुमाएंगे। तो लेट्स सी। तो हमारा बोटमैन हमें यहाँ पे छोड़ा, वो बोला कि 10 मिनट्स का वॉकिंग है, आगे जाना है और वहाँ से फिर हम लोग अपनी बोट राइड कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं ये रीज़न क्या है यहाँ पे छोड़ने का। अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड स्टॉप पे, जहाँ से हमें अपनी बोट राइड रिज्यूम करने वाले हैं। अब पता चला कि क्यों बोटमैन वहाँ पे उतार दिया था हमें, क्योंकि आगे चल के वाटरफॉल था और ओबियसली हम लोग उस रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। इसके वजह से ये दूसरा रास्ता है जहाँ से सेकेंड जर्नी हमारी रिज्यूम होती है। अपने बोटमैन के लिए वेट कर रहे हैं, बोटमैन लोग भी लाइन लगा के एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये प्रोसीजर है। और अभी हम बोट पे बैठ गए, सामने भी बैठ गई आराम से। दो तरफ बड़े बड़े क्लिफ हैं और झरना की पानी इसके बीच में जा रही है। लेट्स सी द अपर व्यू। अभी बोट वाले भैया से पहला स्टॉप जो हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि वाटरफॉल्स के पास जा रहे हैं, तो बोट भैया तेज़ी से चला रहे हैं। अब दिखा वाटरफॉल, और ये तो बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। इस टाइप के बोट में बैठते वक्त एक बात आपको ध्यान में रखना है कि साइड के एजेस ना पकड़े, नहीं तो जो दूसरे बोट हैं उनसे टकराने से आपके फिंगर्स में चोट लग सकती है। अब इस टाइप के बोट में बैठ के अगर आपने गोल गोल चक्कर ना घूमा तो बहुत बड़ी एक्टिविटी आपने मिस कर गई। वैसे तो मुझे चक्कर आता है, सिर चकराता है मेरा ऐसे गोल गोल घुमाने से, इसलिए मैंने बोट वाले भैया को मना किया। बहुत सारे लोग गोल गोल घूम रहे थे स्पीड में, और दिस इज़ अ फन एक्टिविटी, आप मिस ना करें इन चीज़ों को।
और जो ये पानी के दो तरफ है, ये कर्नाटक का बॉर्डर है और ये है आपका तमिलनाडु का बॉर्डर, डिवाइड करती है पानी की लहरें। तो काफ़ी रोमांचक एक्सपीरियंस था। अन्ना आपका गांव इधर है? हाँ। आपको हिंदी आती है? अच्छी हिंदी थोड़ा थोड़ा तो बहुत अच्छा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ जाते हो काफ़ी है। और वाटरफॉल है? हाँ उधर वाटरफॉल एक एक आगे है, अगस्त महिंदा फुल वाटरफॉल है, उधर पानी आता है। ओ उधर पानी कम करते हैं, पानी कम करते हैं। अगस्त में 20 रिवर्स सुंदर। ओ 20 रिवर्स ये टिपल चलता है अगस्त, अगस्त में ये चलता है? हाँ उधर चलते हैं, उधर बोट नहीं उधर से आगे चलते हैं। हाँ अच्छा ओके, वो लंबा रूट है या ये लंबा रूट है? कौन सा बड़ा रूट है? अदा बड़ा रूट वो बड़ा रूट अप एंड डाउन 2 किलोमीटर अभी वो बड़ा राउंड आता है 4 किलोमीटर राउंडिंग 4 किलोमीटर अगर 2 आवर्स टाइमिंग है 2 आवर्स टोटल ट्रिप 2 आवर्स यहाँ पे लोग मजे कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट जैसा भी है, वो चिप्स पानी सारे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सानू ने फल लिया फ्लोटिंग मार्केट से, वहाँ पे दूर में फ्लोटिंग मार्केट है और धूप में घूमते घूमते हम खा रहे हैं पाइनएप्पल और खीरा। हाँ वी आर रिटर्निंग टू आवर प्लेस जहाँ से हम चढ़े थे। सो ऐसा कुछ था हमारा होगी नगल का एक दिन का ट्रिप। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ऐसे और ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर।